भाई ये मॉल शोरूम में कम से कम 200 रुपए का बिकता है, यहाँ पे आपको 60 रुपए मिल जाएगी 6 चम्मच 10 रुपए की एक। 650 रुपए किलो भाई आपको पीतल का घंटा मिलने वाला है, तोल के हिसाब से होता है ये, ठीक। 250 रुपए का मिल जाएगा आपको ये वाला, ठीक है। 90 रुपए का है, 90 रुपए में पत्थर वाला चकला मिल जाएगा, मजबूत वाला, ठीक है। कोई सा भी बेलन आप लोग 30 रुपए में इसके अंदर से ले सकते हो। 30 रुपए की चाय छन्नी मिलेगी, पकड़ वाला मिल जाएगा आपको 20 रुपए में, तो ठीक है। 150 रुपए किलो के हिसाब से आपको इसके अंदर से कोई सा भी बर्तन आप छाट के देख के, तराजू रखा हुआ इनका, तुलवा के लेके जा सकते हो, ठीक है। 20 रुपए में प्लेट ले सकते हो। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो भाई आज की जो वीडियो होने वाली है सदर बाजार डिप्टीगंज बर्तन मार्केट के ऊपर होने वाली है। यहाँ पे आप लोगों को मिल जाते हैं भाई किलो के भाव में बर्तन। ये मार्केट लगती है दिल्ली के सदर बाजार में। अगर आप लोगों को यहाँ पर आना हो तो भाई पुल बंगस मेट्रो और आरके एक्सप्रेस मेट्रो के थ्रू यहाँ पे आ सकते हो। मेट्रो से निकलने के बाद आप लोगों को ई रिक्शा कर लेना, उसको बोल देना भैया मैं डिप्टीगंज की बर्तन मार्केट में जाना है, वो आप लोगों को इस मार्केट के अंदर छोड़ देंगे। यहाँ पे आप लोगों को बर्तन वगैरह की शॉपिंग आप कर सकते हो। बाकी मार्केट की जो टाइमिंग होती है वो होती है भाई सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 4-5-6 बजे तक लगी रहती है। संडे वाले दिन की मार्केट में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। बाकी यहाँ पे दुकानें होती है 6 दिन खुली रहती है, संडे को यहाँ पे बंद रहती है दुकानें। तो चलते हैं, जो भी मिलेगा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे वीडियो में, अंत तक बने रहना। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों सदर बाजार बाराटूटी चौक यहाँ पे सामने रहता है, रिक्शे से आओगे आप लोग रिक्शे वाला आपको यहीं पे उतारेगा। बाकी भाई यहाँ से भाई मार्केट लगी रहती है, डिप्टीगंज का बोर्ड दिख जाएगा आप लोगों को और इसके अंदर से मार्केट पूरी की पूरी यहाँ से लगी रहती है। तो चलते हैं अंदर की साइड में और देखते हैं क्या कुछ चीज़ें हमें देखने को मिलने वाली है इस मार्केट के अंदर, आप लोगों को दिखाएंगे और बताएंगे, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहना। हमने सामने गली में एंट्री करी है यहाँ से, ठीक है। इधर की साइड में देख लो आप लोग, पटरियों पर इस तरीके से बर्तन लगे हुए आप लोगों को मिल जाते हैं, ठीक है। इधर की साइड में देख लो आप लोग, ऐसे ऐसे बर्तन आपको यहाँ पे पटरियों पे रखे हुए मिल जाते हैं। अगर आपको बर्तन वगैरह खरीदने हो तो यहाँ पे आ सकते हो। कप वगैरह के रेट भी होते हैं यहाँ पे भाई, इस तरीके से कप भी मिल जाते हैं, दर्जन वगैरह के हिसाब से होते हैं इन सब के रेट। तो यहाँ पे भाई देखो काफ़ी अच्छे खासे आपको भाई कैसे देते हैं कप बताओगे? 50 रुपये के 6 है भाई। और ये वाले भाई 100 रुपये के 6। ये देखो भाई 100 रुपये में 6 आप लोगों को मिल जाएंगे, 50 रुपये के 6 मिल जाएंगे। बढ़िया बढ़िया कप होते हैं यहाँ पे, कोई से भी चाहिए आपको तो आ सकते हो यहाँ पे लेने के लिए। और ये वाले भी 100 के 6 भैया? हाँ जी भाई, ये वाले आपको 100 रुपये में 6 के अंदर से कप मिलने वाले हैं, ठीक है। पेटी होती है भाई पूरी की पूरी, बहुत ज़्यादा सामान होता है यहाँ पे, जितना भी चाहिए होगा आपको सारा का सारा मिलने वाला है। तो इस तरीके से अगर आपको सामान परचेसिंग करना हो तो यहाँ पे आ सकते हो, आ करके देख के ले सकते हो। देख लो इधर की साइड में इस तरीके से रखा हुआ मिलता रहेगा, ठीक है। और आगे लगी होती है मार्केट पूरी की पूरी, मैं आपको और आगे की साइड में लेकर चलता हूँ मार्केट के अंदर, चीज़ें दिखाता हूँ, पता करके आप लोगों को बताता हूँ। मार्केट में हम हल्का सा आगे की साइड में बढ़े, एक भाई मिलेंगे आपको यहाँ पे, सबसे सस्ते और बढ़िया बर्तन देते हैं। भाई कैसे रहते हैं गिलास बताना थोड़े से, ये वाला गिलास कितने का है, डिजाइन वाला? 35 रुपये का है भाई, 35 रुपये में गिलास डिजाइन मिल जाएगा। वेट है कम से कम 100-150 ग्राम का गिलास के अंदर, इस तरीके के मिलने वाले। और ये छोटे वाले भाई, ये मिल जाएगा 25 का है, 25 रुपये में आपको ये मिलने वाले। तो ऐसे भाई गिलास वगैरह मिल जाते हैं। कटोरियाँ कैसे रहती है भाई वाली? 20-25 रुपये। अच्छा 20-25 रुपये सारे साइज की मिल जाती है भाई, 20-25 रुपये इन सबके रेट होने वाले। ये वाले देख लो आप लोग, कटोरी चाहिए होगी तो 15-20 रुपये यही रेट होते हैं इनके, 20 के ये भी। और ये कैसे देते हो थाली वगैरह? 280 रुपये किलो। आता हूँ कभी कभार, मैंने आपको देखा है। अच्छा देखा, अच्छा अच्छा, हाँ देखा होगा, बात करने को पड़ेगा। हाँ नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैंने आपको उधर भी देखा, वो सदर बाजार वाली में। हाँ चलो, ये देखो हमारी आंटी जी मिली, हमारी वीडियो देखती हैं ये, और अंकल जी भी वीडियो देखते हैं हमारी, है ना, देखते रहते हो ना हमारी वीडियो। चलो जी बढ़िया है, तो हमारी वीडियो देख के ही आए हैं ये लोग, है ना जी। चलो ले लो बर्तन वर्तन ले लो आप भी। तो भाई ये देखो ये मिल जाएगा आपको भाई, कितने का ये? 280 रुपये किलो। 280 रुपये किलो हमारे भाई के वीडियो के माध्यम से जो बंदा आएगा उसके लिए 280। क्या बात है भाई, 280 रुपये किलो मिल जाएगा आप लोगों को अगर वीडियो देख के आते हो हमारी। तो ये भाई देखो थाल वाली मिल जाएगी आपको बड़ी बड़ी, ये भाई भारी वेट हैवी वेट वाली है, मजबूत वाली, 280 रुपये किलो मिल जाएगी भाई के पास, ठीक है। कढ़ाई कैसे दे दो भाई? ये 270 रुपये की। 270 रुपये किलो, ये कितने की पड़ेगी अगर लेंगे तो? 1 किलो की है, ज्यादा की है? 700 ग्राम की है। तो भाई ये मतलब 200 के आसपास की होगी, है ना? 200 रुपये के आसपास की आपको ये कढ़ाई मिलने वाली है। फ्राई पैन चाहिए होंगे तो ये मिल जाते हैं, ये देख लो आप लोग, ये भी किलो के वेट थे। हाँ, किलो से ये दे दूंगा। कितने रुपए का दे दोगे? 270 रुपये किलो दे देंगे, बाकी ये होगा। हाँ के वीडियो के माध्यम से आते हैं ना, तो सब चीज किलो से मिले। क्या बात है भाई, तो हम तो पीस रेट ही बेचते हैं। अच्छा पीस रेट ही देते हैं, कस्टमर आते हैं। हाँ हाँ, तो उनको हम पीस रेट देते हैं। चलो जी, आप आते हैं यहाँ पे तो आपको किलो से देंगे हर आइटम, लेकिन इतना बताना पड़ेगा कि हम अनीश भैया के वीडियो के माध्यम से। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये देखो भाई इस तरीके के आपको फ्राई पैन वगैरह मिल जाते हैं भाई के पास, हमारे एल्युमिनियम में भी है भाई इसके अंदर, है ना। 280 रुपये किलो, ये कितने का पड़ेगा भाई? ये लगभग कितने पड़ेगा? 220 का पड़ जाएगा आपको ये, ठीक है। तो ऐसी भाई काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं हमारे भाई के पास, जो कुछ भी चाहिए होगा आपको, टिफिन बॉक्स वगैरह चाहिए होंगे तो ऐसे ऐसे टिफिन बॉक्स। टिफिन बॉक्स कितने कितने के पड़ते हैं ये? अच्छा 350 ये वाला है, ठीक है। ये वाला 350 का है, ये 300 का है, ये 400 का है, 450 का। तो इस रेट के टिफिन मिल जाएंगे, जग चाहिए होंगे ना भाई, ऐसे बढ़िया वाले जग मिल जाते हैं भाई। कितने का दे दोगे? 220 रुपये का जग दे देंगे भाई आप लोगों को, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को काफ़ी अच्छी बढ़िया और सस्ते रेटों में मिल जाती है इस मार्केट के अंदर। बाकी आप लोग वीडियो में आपको रेट कैसे लग रहे हैं ये चीज़ें बताओ जरा, तो हमें पता लगेगा कि आप लोगों को भी समझ में आ रहे हैं रेट वेट नहीं आ रहे। ये कहते हो कर्ची दे रहे हो भाई?
20 रुपए की है, 20-20 रुपए में भाई कर्चिया मिल जाती है आप लोगों को। यहाँ पे देख लो आप लोग, सस्ते रेट है, कोई ज्यादा हैवी नहीं है, 50-60 रुपए की आती है, यहाँ पे 20-20 रुपए में मिल रही है, ठीक है। ये इस वाली थाली मिल जाती है, कितने की दे रहे हो ये? 30 रुपए की है भाई, 30 रुपीज़ की आप लोग थाली मिल जाएगी, ये वाली देख लो, ठीक है। तो ऐसी भाई थालियाँ मिल जाती है, बहुत सारी चीज़ें भाई के पास, प्लेटें चाहिए होंगी तो ये वाली प्लेटें मिल जाएगी। प्लेट कितने की वाली? 30 रुपए की है भाई, 30 रुपए में प्लेट मिल जाएगी, देख लो आप लोग, काफ़ी बढ़िया है, डिज़ाइन वगैरह बना हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आराम से सालों साल 10-15 साल आराम से चलने वाली चीज़ है, पूरी गारंटी होती है, ना फटता है ना चटकता है। अच्छा, पूरी गारंटी। तो बाकी भाई के पास आ सकते हो, संडे को लगाते हो यहाँ पे? संडे को लगाते हैं, मार्केट मैंने जैसे अभी आपको गली दिखाई है वहाँ से आओगे ना, तो ये अंकुर जैन के नाम से बोर्ड है और यहाँ पे हमारा भाई मिल जाएंगे, तो इनसे आके आप परचेजिंग कर सकते हो इस तरीके की चीज़ें। बाकी यहाँ से मार्केट लगी रहती है, आगे की साइड में और चलते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। तो भाई चलते चलते हम मार्केट में आगे की साइड में आए, बिल्कुल इधर की साइड में सामने गोल चक्कर रहता है, गोल चक्कर के पास भी आप लोगों को मार्केट काफ़ी अच्छी खासी लगी हुई मिल जाती है, ठीक है। सामान वगैरह यहाँ पे देखो, इस तरीके से पूजा वगैरह का सामान चाहिए होगा ना, तो सारा का सारा आप लोगों को मिल जाता है, पीतल वगैरह का जो चीज़ें होती है ना पूजा की सामग्री का, वो सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाती है यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके की। हाँ जी, अच्छा, तो इस तरीके का भाई पूजा वगैरह का भी सामान मिल जाता है, अगर आपको ये सब चीज़ें चाहिए हो तो आ सकते हो लेने के लिए। कितने का रहता है अंकल ये? 75 ये? हेलो, ये 70 रुपए। 70 की है, 70 रुपए की बता रहे हैं। तो ऐसी भाई काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती है, आपको जो भी चीज़ होगा ना घर में, मंदिर के लिए, पूजा के लिए सामान सारा का सारा मिल जाता है आप लोगों को यहाँ पे, ठीक है। देख लो इस तरीके से मूर्तियाँ वगैरह चाहिए ना भगवान वगैरह जी की, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिलने वाली है, ठीक है। धूप ज्योतबत्ती के लिए ये सब चीज़ें आप लोगों को इस मार्केट के अंदर मिल जाती है, रेट जो होते हैं काफ़ी अच्छे और सस्ते रेटों में मिल जाती है, जैसे कि बड़े बड़े घंटे चाहिए होंगे ये सब मिल जाते हैं, इस तरीके के भाई अगरबत्ती लगाने के लिए चाहिए होता है। अंकल जी कितने का रहता है ये? 120 का है, देखो पीतल का है ये, 120 रुपये में मिलने वाला है, ठीक है। तो ऐसी भाई चीज़ें काफ़ी अच्छी खासी आप लोगों को मिल जाती है, घंटी चाहिए होंगी घंटी मिल जाएंगी, ये सब चीज़ें होंगे ना भजन वगैरह के लिए कीर्तन के लिए, तो ये सब चीज़ें आप लोगों को इस मार्केट के अंदर आपको मिल जाती है। रेट वगैरह जो होते हैं वो बताई दिए हमने, सस्ते सस्ते होते हैं ये, ठीक है, इस तरीके से ये मिल जाता है। ये 30-40 रुपए का ये भी होगा अंकल, है ये भी आपको 30 रुपए का बता रहे हैं अंकल, ये 30 रुपए का नहीं, ये 30 रुपए का अंकल जी। ये घंटा कितने का होगा? तोल के कितने रुपए किलो होता है? 650 रुपए किलो भाई आपको पीतल का घंटा मिलने वाला है, तोल के हिसाब से होता है ये, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अगर आपको लेनी हो आ सकते हो भाई यहाँ पे, और ऐसी भाई काफ़ी अच्छी खासी मार्केट ये लगी होती है और सामान लोग लेने के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं। बाकी आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हो ये चीज़ें बताओ जरा कमेंट बॉक्स में, तो हमें पता लग जाएगा। और अंकल जी क्या हाल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अंकल जी की एक दुकान होती है, यहाँ पे इस तरीके से आपको बर्तन चाहिए होंगे ना बढ़िया वाले, तो ये सब बर्तन आप लोगों को मिल जाते हैं। इनकी दुकान होती है भाई मनीष बर्तन भंडार के नाम से, ये देख लो बोर्ड भी है, नंबर भी आ रहा होगा, अगर आपको ये चीज़ें परचेज करनी हो तो इनकी दुकानों पर आ सकते हो। यहाँ पर पतीले वतीले मिल जाते हैं, ड्रम मिल जाते हैं, शादी का भी सारा सारा सामान यहाँ पे मिलने वाला है। देखो जैसे शादियों में देने के लिए होते हैं ना पीतल के भगोने, तो ये सब आप लोगों को मिलने वाले हैं, तो काफ़ी अच्छे खासे रेट होते हैं इनके। पता करते हैं अंकल जी से, थोड़े से बताते हैं आप लोगों। अंकल जी प्लेटें कैसे होती हैं ये? 220 रुपए किलो के, किलो के हिसाब है ना इनका, 220 रुपए किलो आपको मिलने वाली है। देखो एकदम बढ़िया स्टील वाली प्लेटें मिल जाती है आप लोगों को, ठीक है, और काफ़ी अच्छी खासी होती है। यहाँ पे कटोरिया भी मिला, कटोरिया के भी रेट यही है अंकल? अच्छा 10-15-20-25 रुपए की ये मिल जाएगी कटोरी, है ना, तो ऐसे भाई रुपए के हिसाब से 10-20-25 रुपए कटोरियों के हिसाब किताब होता है, ठीक है। ऐसे जग लेने हो यहाँ पे देख लो सामने आप लोगों को कितना ज़्यादा आप लोगों को सामान आप लोगों को बर्तन मार्केट के अंदर मिलने वाला है, तो ये सब चीज़ें आप लोगों को सस्ते और बढ़िया रेटों में आप लोगों को मिल जाती है इस मार्केट में। अगर आपको परचेजिंग करनी हो तो यहाँ पे आ सकते हो, पतीले वतीले ड्रम वगैरह चाहिए हो ना ऐसे ऐसे ये मिल जाते हैं, देख लो आप लोग पानी यानी रखने के लिए ऐसे ये चाहिए होंगे। कितने अंकल? 250 का, 250 रुपये का मिल जाएगा आपको ये वाला, ठीक है, बर्तन रखने के लिए अंकल। एलुमिनियम के ये शादी वाले 15% डिस्काउंट? अच्छा चलो जी, 15% क्या बोल रहे हैं अंकल, 15% डिस्काउंट है। अच्छा शादी हो तो 15% डिस्काउंट भी देंगे इसके अंदर से, ठीक है। और ये अंकल कितने के होते हैं एलुमिनियम वाले? 280 रुपए किलो के हिसाब से होते हैं, तोल के हिसाब से ये वाले भी मिल जाते हैं कोई स्टील वाले। ये कैसे अंकल? 190 रुपए किलो, देखो रेट इतने बढ़िया हैं, 190 रुपए किलो के हिसाब से आप लोगों को ये सारे बर्तन इस मार्केट में मिल जाते हैं। तो हमारे अंकल जी की दुकान पे आ सकते हो, मैंने नंबर दिखाई दिया है, कॉन्टेक्ट करके इनसे आप ले सकते हो इस तरीके की चीज़ें। 7 डेज लगी रहती है इनकी शॉप, तो आके आप यहाँ पे देख के ले सकते हो ऐसी अगर आपको चीज़ें चाहिए हो तो। इधर की साइड में भी आप लोगों को काफ़ी अच्छा खासा इस तरीके का किचन का एसेसरीज मिल जाती है, देख लो आप लोग, ठीक है। यहाँ पे आपको चकला बेलन ये सब चीज़ें चाहिए होंगी ना, तो रेट इनके कुछ ज़्यादा होते नहीं है, सस्ते और बढ़िया रेटों में सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाती है, ठीक है। इस तरीके के भाई चकले वगैरह मिल जाते हैं अंकल जी के पास, पता करते हैं अंकल से कितने, अंकल कितने का होता है पत्थर वाला चकला ये? 90 रुपए का है भाई, 90 रुपए में पत्थर वाला चकला मिल जाएगा, मजबूत वाला, ठीक है, ऐसे मिल जाएंगे। और ये लकड़ी वाले अंकल जी? अच्छा ये 80 का है, ये 70 रुपए का है क्या? ये 70 का है, ठीक है भाई, बढ़िया बढ़िया चीज़ें मिल जाती है आप लोगों को। और ये अंकल बेलन कैसे अंकल जी? 30 रुपये कोई सा भी ले लो, कोई सा भी बेलन आप लोग 30 रुपए में इसके अंदर से ले सकते हो।
तवे मिल जाते हैं हमारे अंकल जी के पास। अंकल तवा का बता दो एक, इस वाले का 100 रुपये का है भाई, 100 रुपये में तवे मिल जाएंगे, ठीक है। तो रेट होते हैं अच्छे और बढ़िया, आ सकते हो हमारे अंकल जी के पास और इनसे आके भाई किचन का जितना भी सामान चाहिए होगा ना सारा का सारा ले सकते हो आप लोग। अंकल ये कितने का होता है पकड़ने वाला पकड़? 20 का। और चाय छन्नी? 30 रुपये की चाय छन्नी मिलेगी, पकड़ वाला मिल जाएगा आपको 20 रुपये में। तो ठीक है ऐसे भाई सस्ते और बढ़िया रेटों में सारी चीज़ें मिल जाती है डिप्टीगंज की बर्तन मार्केट के अंदर। आके देखिए ये सारी चीज़ें आप परचेसिंग कर सकते हो, इधर साइड से आपको बर्तन मिल जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। और अगर आपको किलो के भाव बर्तन चाहिए हो तो ये मिल जाते हैं यहाँ पे सस्ते और अच्छे रेटों में बर्तन, अगर आपको लेने हो यहाँ पे आ सकते हो भाई। ये थोड़े वैसे होते थोड़े गंदे हो रखे होते हैं बर्तन, आज कम हो गया क्या माला, बिक गया क्या सारा या कम लगा रखा है, खत्म हो गया कैसे? 150 रुपये किलो आपने तो रेट है ना भैया, 150 रुपये किलो के हिसाब से आपको बर्तन मिल जाते हैं यहाँ पे, देख लो आप लोग इस तरीके से। तो इसके अंदर से अगर आपको बर्तन लेने हो तो आ सकते हो भाई, सुबह जितना जल्दी आओगे उतना फ़ायदा रहेगा क्योंकि बिक जाता है भाई, भीड़ होती है इनकी दुकान पे काफ़ी अच्छी खासी। इधर ही साइड में बर्तन आप लोगों को रखे हुए मिल जाएंगे ऐसे ऐसे। 150 रुपये किलो भैया अभी कैसे? 120? 150 रुपये है ना, 150 रुपये किलो के हिसाब से आपको इसके अंदर से कोई सा भी बर्तन आप छाट के देख के तराजू रखा हुआ इनका तुलवा के लेके जा सकते हो, ठीक है। और जो भी चीज़ होगा ऐसी चीज़ें मिल जाती है आप लोगों को, बर्तन वगैरह की पूरी मार्केट होती है भाई, पटरियों पर बर्तन लगे रहते हैं, किलो के भाव बर्तन आप लोगों को मिलते रहते हैं। इधर की साइड में भाई ने लगा रखे हैं, देखो कितने ज़्यादा बर्तन है भाई। क्या रेट लगा रखे हैं, कितने रुपये किलो? 230 रुपये। 230 रुपये किलो के हिसाब से इसके अंदर से आप कुछ भी छाट के देख के ले सकते हो, रेट ज़्यादा होते नहीं है, सस्ते और बढ़िया रेटों में आप लोगों को ऐसे बढ़िया बढ़िया आप लोगों को बर्तन भी मिल जाते हैं इस मार्केट के अंदर। बाकी आपको और चीज़ें देखते हैं हम यहाँ पे क्या मिलने वाला है। ये कैसे रहते हैं भैया कटोरिया कैसे हैं? 230 रुपये किलो। 230 रुपये किलो बता रहे हैं, एक लेनी होगी तो 15 रुपये की है, 15 रुपये की एक है और 230 रुपये किलो के हिसाब से आप लोगों को बर्तन मिलने वाले हैं इस तरीके के। काफ़ी अच्छे खासे बर्तन होते हैं यहाँ पे, अगर आपको जैसे भी चाहिए हो ना सारे के सारे आप लोग आके स्टील के बर्तन मिलने वाले हैं। कर्चिया कैसे दोस्त? 230 रुपये। और सिंगल रेट? ये अगर ये लेनी हो तो 40 रुपये। 40 रुपये मिला लगा देंगे भाई सिंगल, और 230 रुपये किलो ये भी रहने वाले हैं, देख लो आप लोग ऐसे इस तरीके के। कर्ची वगैरह चाहिए होगी सारी की सारी मिल जाती है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है इस मार्केट के अंदर। आ सकते हो भाई के पास हमारे यहाँ पे लगाते हैं, गोल चक्कर जब मैंने दिखाया ना उसमें घूमोगे ना हल्का सा इधर की साइड में ये लगाते हैं और इनसे आके आप परचेजिंग कर सकते हो इस तरीके की चीज़ें अगर आपको लेनी हो तो, ठीक है। बहुत ज़्यादा चीज़ें आप लोगों को इस मार्केट के अंदर आप लोगों को मिल जाती है, आके देख के ले सकते हो। चलते चलते मार्केट में हम आ गए हैं थोड़ा सा और आगे की साइड में, इधर की साइड में भी आप लोगों को देखो इस तरीके से बर्तन वगैरह मिल जाते हैं अंकल जी के पास। अगर आपको लेने हो तो भाई बढ़िया सस्ते रेटों में बर्तन तो यहाँ पे आ सकते हो। अंकल जी कितने का रहता है ये? 150 रुपये का है। 150 रुपये का है भाई, किलो का वेट है इसके अंदर अच्छा खासा। और ये चाय बनाने वाले अंकल फ्राई पैन आपके हाथ में जो है 130 रुपये का है। देखो भाई कितने गहरे गहरे फ्राई पैन आपको 130-130 रुपये में मिलने वाले, ठीक है। और ऐसे आपको इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं, देख सकते हो आप लोग आके देख के यहाँ से बढ़िया बढ़िया चीज़ें ऐसे ऐसी बढ़िया 130-130 रुपये में हमारे अंकल जी के पास से ले सकते हो। यहीं पर लगाते हैं ना अंकल आपको? संडे को यहीं लगाते हैं भाई, ये पुलिस चौकी रहती है इसके पास, यहाँ पर लगाते हैं। और ये कर्चिया कैसे अंकल जी? 30 रुपीज़। 30 रुपये कोई सा भी इसमें से? तो भाई देखो ये महंगी वाली चीज़ें होती है ना जो मॉल शोरूम में बिकती है वहाँ पे, यहाँ पे 30-30 रुपये मिल जाती है अंकल जी के पास हमारे। देखो मजाक नहीं कर रहा मैं, ये देखो बिग बाजार वगैरह में मॉल शोरूम में बिकती है ना वो वाली है। कितने का अंकल ये? 60 रुपये का। चारों छः है इसके अंदर भाई, 6 मिल जाएंगे आपको 60 रुपये में, देख लो आप लोग इस तरीके की। बिल्कुल भाई ये मॉल शोरूम में कम से कम 200 रुपये का बिकता है, यहाँ पे आपको 60 रुपये मिल जाएगी 6 चम्मच 10 रुपये की एक, ठीक है। तो ऐसी आपको चीज़ें चाहिए। प्लेटें कितने की अंकल जी? 20 रुपये में प्लेट ले सकते हो। तो ऐसे भाई सस्ते सस्ते सामान अगर आपको चाहिए हो इस मार्केट में आ सकते हो, देख लो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती है यहाँ पे, आप देख के यहाँ से चीज़ें बढ़िया बढ़िया ले सकते हो। बाकी मैं आपको और दिखाता हूँ और कैसी चीज़ें हमें मिलने वाली। एक भाई ने और लगा रखे हैं यहाँ पे, देखो कर्चिया चम्मच वगैरह बहुत सारी मिल जाती है। भाई कितने की दे रहे हो ये वाली कर्ची? कितने अंकल जी? 250 रुपये किलो है। 250 रुपये किलो बता रहे हैं भाई साहब इसके। तो रेट लोगे तो अगर सिंगल लोगे तो 30-40 रुपये का मिल जाएगा आप लोगों को। यहाँ पे देखो चम्मचें मिल जाती हैं ऐसी बढ़िया वाली चम्मचें, ये भाई कम से कम 30-40 रुपये की एक चम्मच आती है। यहाँ से पता करते हैं भाई कितने की चम्मचें अंकल जी? 100 रुपये का। 10-12 देंगे 100 रुपये की। 100 रुपये में 12 चम्मचें दे देंगे भाई आप लोगों को। अगर आपको चाहिए होगी तो इस तरीके की चम्मचें मिल जाती है इस तरीके की, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं यहाँ पे, आप आके देख के ले सकते हो अगर आपको परचेसिंग करनी हो तो, ठीक है। 100 रुपये 250 रुपये किलो है इनके रेट। और इधर की साइड में भी आपको सामान मिल जाता है ऐसे, रोटी केस वगैरह चाहिए होंगे तो ये सब मिल जाते हैं। यहाँ पे कोई है नहीं क्या? कोई भी नहीं है यहाँ पे, दिख नहीं रहा दुनिया में। यहाँ पे देखो इस तरीके की ग्लास वगैरह बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को इस मार्केट में मिल जाती है। अगर आपको परचेसिंग करनी हो तो आ सकते हो यहाँ पे आके देख के, ऐसी बढ़िया बढ़िया चीज़ें आप ले सकते हो। तो देखिए भाई आप लोगों ने वीडियो यही थी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, रेट वगैरह कैसे लगे इस मार्केट के। बाकी अगर आप लोग आना चाहो तो आ सकते हो, ठीक है। मैंने आप लोगों को डेट टाइमिंग स्टार्टिंग में सारी चीज़ें बताई दी है कि कैसे लगती है, कहाँ पे लगती है, कब लगती है, कैसे आना है, सब चीज़ें आप लोगों को बताई दी है। और चलो वीडियो खत्म करते हैं, अगर वीडियो देख के मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी वीडियो अगर आप लोग फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो यहाँ पे फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे भी ऐसी ऐसी वीडियोज़ में आप लोगों के लिए डेली लेके आता रहता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।